लावारिस ऑर्डर का वारिस मैं क्यों? नीतीश जी बने इस लावारिस ऑर्डर का वारिस। मामला फंस रहा है एक्चुअली, हमारे पास अप्रोच की कमी, राउंड 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 घुमा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जनता दरबार है और जनता दरबार में आज शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं लोगों की सुनी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आज भी जनता दरबार के बाहर जितने अंदर फरियादी हैं उतना ही बाहर भी हैं। एक 4 साल की बच्ची भी आई है अपनी इंसाफ मांगने और न्याय के इंसाफ में खड़ी है मजबूर मासूम तीसरी पीढ़ी, यानी वानिका जो है ये तीसरी पीढ़ी है और उनकी माँ है। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर पहुंची हैं मैम? जमीन विवाद है। किसने जमीन आपका लिया? ये मेरे माता जी का जमीन है जो पहली पीढ़ी है, बसंती साहू जी का, 70 वर्ष से विधवा महिला है, 1978 की जमीन है, नाला रोड कदम कुआ थाना का मामला है। रात्र को 21 अगस्त 2020 को हमारा गेट चोरी होता है जिसका सीसीटीवी फुटेज सब कुछ हमने थाने में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने बाद हम डीएम से मिले तो डीएम के कहने पे 6 महीने बाद हमारा रिपोर्ट लिखा गया एफआईआर का। फिर भी अभी तक डीएम ने आश्वासन दिया 2 दिन में काम हो जाएगा, बट कोई काम नहीं हुआ। और आज वो एक लावारिस ऑर्डर लेके घूम रहा है, उसका वारिस मुझे बनाना चाहता है। ना मैं उसमें पार्टी हूँ, ना मेरे पे नोटिस है, ना मेरी जमीन की चौहद्दी मेंशन है, ना कोई कुछ भी मेंशन नहीं। बस एक मेंशन है 1941 से कॉमन पैसेज है, बट वो किसका पैसेज है, कौन है वो, मैं कोर्ट गई किस लाइन के ऊपर बात करने के लिए, तो कोर्ट ने मुझसे पूछा तो ये ऑर्डर आप पे वैलिड ही नहीं है, तो क्यों आई है, ये आपका मामला नहीं है, आप जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले मुझे ग्राउंड राउंड 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 घुमा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर तो लिखा, एक लाइन तो लिखी हुई है ना आपके ऊपर, मतलब लाइन तो लिखी है ना उसमें, तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लाइन नीतीश जी के ये इस रोड के बारे में होगी, क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ना हम पार्टी है ना कुछ है, तो ये लावारिस ऑर्डर का वारिस मैं क्यों? नीतीश जी बने इस लावारिस ऑर्डर का वारिस। जमीन जो है पुश्तैनी है आपकी, वहाँ पर खरीद की है 1978 की, और पड़ोसी ने 1981 में खरीदा है। डीड के अकॉर्डिंग भी वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, सीओ रिपोर्ट भी हो गई है, डीसीएलआर रिपोर्ट भी हो गई है, बट अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। आखिर कहाँ मामला फंस रहा है? मामला फंस रहा है एक्चुअली, हमारे पास अप्रोच की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई गॉड फादर होना चाहिए, वो गॉड फादर लेके घूम रहे हैं, वो पैसे लेके घूम रहे हैं, 3,000-4,000 करोड़ का मालिक बताता है वो अपने को। कौन लोग हैं? राकेश प्रसाद सिंह है और वाउस ऑटोमोबाइल्स का मालिक है और मारुति सुजुकी शोरूम का। तो थाने में इस मामले को लेकर गई तो क्या हुआ? थानेदार ने बोला आपके मामले में कुछ भी नहीं है, आप काम लगाइए मैडम। जब हम काम लगाते हैं 1 घंटे बाद जब हमारी ईंटें लगा दी जाती हैं, वहाँ के गुंडे आते हैं ईंट फेंकते हैं, तो जब हम बोलते हैं क्यों, तो थाना जाते हैं तो थाने से पता चलता है कि कोई लाल बत्ती का फोन आ गया है तो काम रोक दीजिए, हम लाल बत्ती नहीं है ना मैडम, ऐसा बोलते हैं वो। लाल बत्ती कौन हो सकते हैं, आखिर क्या लगता है? लाल बत्ती अब पता कीजिए लाल बत्ती कौन से हैं, जो ट्रैफिक लाइट पे लाल बत्ती जलती है, तो लाल बत्ती थाने में क्यों जल रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी दिख रहा है? हाँ अफसरशाही मुझे हावी दिख रहा है, तभी तो कोई लावारिस ऑर्डर का वारिस मुझे बना रहा है। डीएनए टेस्ट किया जाए इसका कि मेरा वो है या नहीं वो ऑर्डर। डर लगता है बिहार में? मुझे डर नहीं लगता, तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अपराधियों जिस तरीके से मनोबल इन दिनों बढ़ा है और जैसे जमीन विवाद लगातार देखा जा रहा है, किसी की भी जमीन नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, मैं कायर नहीं हूँ सबसे पहली बात, और लेकिन कुछ लिखा भी है, मैं परेशान हूँ। क्या लिखी है आपने? मैं ये लिखी हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे दबंग है या जो भी औरत को समझते हैं कि कमजोर है, इसको अगर डराओ तो डर जाएगी, घर में बैठाओ तो बैठ जाएगी। दही मैं रोड पे आ चुकी हूँ, अब मैं कमजोर भी नहीं हूँ, मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, मैं तलवार भी उठा सकती हूँ। चूड़ियों में तलवार से ज्यादा ताकत है, चूड़ियाँ पहनकर भी अपने हक के अधिकार के लिए लड़ा जा सकता है। माना कि अंधेरा घना है, मेरे पास एक ऑर्डर है जिससे कुर्सियां हिलेगी धमाके से, कुर्सी पकड़ के सीट बेल्ट बांध ली जाए। तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आई है तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है और मैंने मैनुअली बहुत बार एप्लीकेशन दिया, 1 साल से दे रही हूँ, बट मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो मैं आज उतरी हूँ कि मुझे 1 महीना हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हुए,
शायद उसमें टाइम लगता हो, लेकिन मेरा मामला एक साल से ऊपर जा चुका है, 5 साल से ऊपर जा चुका है। कितनी पीढ़ी समाप्त? तीन पीढ़ियां इसमें पिस रही हैं। मेरी माताजी अब इस हालत में नहीं थी कि जो रोड पे आ सके, तो उनकी जो धरोहर है 4 साल की मेरी बेटी वानिका, उसको लेके मैं घूम रही हूँ कि कल को तुम भी एक औरत हो, तुमको भी यहाँ पे लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। काला पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन है प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन के खिलाफ? हाँ जी। तो देखिए साफ तौर से तस्वीरें जो काला पट्टी बांधकर महिला कितनी सुरक्षित है बिहार में, क्योंकि इनकी तीन पीढ़ी जो है ज़मीन में अपनी ज़िंदगी जुड़ रही है और तीसरी पीढ़ी ये है जो बच्ची है। कौन है बेटा, कौन लोग हैं, कौन अंकल हैं? गंदे अंकल। क्या करते हैं बेटा? ईंटें फेंकते हैं। ईंटें फेंकते हैं घर में? घर तो में। क्या कहोगी मुख्यमंत्री अंकल से, क्या कहोगी, क्या कहने आई हो मुख्यमंत्री अंकल को? हेल्प, हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए। डर लगता है बेटा जब पत्थर फेंकता है तो डर लगता है जी। देखिए छोटी बच्ची है, अभी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची है और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इस उम्मीद से पहुंची है, सर पे काला पट्टी, माँ के हाथों में काला पट्टी, बस इस ज़मीन की इंसाफ मांगने के लिए। पटना के नाला रोड में ये ज़मीन है और कुछ दबंगों के द्वारा इस तरीके से उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है, लेकिन इन्हें कोर्ट से ऑर्डर हो जाने के बाद भी प्रशासन कह रही है कि लाल बत्ती का डर है, कहीं ना कहीं सवाल हमारे ऊपर नहीं है। मैं करेक्शन करना चाहूंगी, मैटर में मैं पक्षकार कुछ नहीं हूँ, लावारिस ऑर्डर में दिखाया जा रहा है, ऑर्डर किसी और का है, उसका वारिस मुझे बनाया जा रहा है। जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जमीन का जो मामला है वो फंसता हुआ दिख रहा है और ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची है अपनी जमीन की लड़ाई के लिए और पटना के नाला रोड का ये मामला है और कदम कुआं थाने की मामला है और पूरी तरीके से कह सकते हैं पुलिस जो है उस लाल बत्ती से डरती है। आखिर इन्हें इंसाफ कब तक मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई महीनों से रजिस्ट्रेशन कराकर ये लगी हुई हैं लेकिन अभी तक इनका नंबर नहीं आया। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार से इनका कितना फ़ायदा होता है या इनसे इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।